जिसका इंटाइटलमेंट है उसी की आपसे सामने आया था, आपने फिर बताया था उस दिन वाले स्टेटमेंट से आज वाले स्टेटमेंट में क्या फर्क है? जो सचिव ऐसा है कि साहब रिक्वेस्ट लगातार कर रहा हूँ, मैंने आपसे उस दिन निवेदन किया था आपकी प्रायोरिटी फिक्स को देना, उसमें हमने भी कहा उनको चाहिए, उनको भी दिवा दिए। दूसरा आपका जो ना आपके पास है तो अब उसको आप कह देंगे सब आज तो मेरे पास इतना पैसा है, कल कितना था हमें क्या पता। ये ना सही, तो आपका फाइनेंस सेक्शन ही लास्ट आई थी उस समय मेजर पेमेंट अपना पेंशन का ही हुआ था, उसी का एफिलिएशन का जो है अगस्त की पेंशन के बाद मध्य अलग है। अगस्त की जब दी उसके बाद से आज तक का अगर फंड का एलोकेशन और फंड की इनकम जो है, फंड के बाद में आपकी भी जो इनकम हुई है उसका एलोकेशन भी तो है, ये आज का स्टेटमेंट है। और हम आपसे सरकार ने उससे कटौती कर दी हो के साहब हमको पहले जो पैसा देता उससे पीछे, ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार वाला पैसा भी आता रहे और आप एक बार फिर आप बता रहे हैं पेंशन को लेकर क्या मांगे रखी है आपके और क्या सब हुआ है? इससे दिल्ली में आम कर्मचारियों का 2 माह से पेंशन लंबे समय से बंद है। वही वाईसान शर्मा जी जब से आए हैं पेंशन की एक शुरुआत इन्होंने अपने हाथों से ऐसे कर दी। हमने पिछली बार परिस्थितियाँ बस फैमिली पेंशन के लिए इनको कहा, अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन ये बना दिए उन्होंने कि फैमिली पेंशन पहले दे दे तो फिर दूसरा दे दे तीसरा दे दे। आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है, दीपावली नज़दीक आ चुकी है, लोगों को पेंशन चाहिए, 2 महीने के बकाया पेंशन आपको देनी पड़ेगी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, बार बार वाईसान शर्मा जी ये कहते हमारे पास फंड नहीं है, इनको यही पता नहीं है कि 1 साल का बजट कितना होता है और खर्च कितना होता है। आज की परिस्थिति जो अब पूछा उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया, उनको जानकारी में भी नहीं है। फीस आज की परिस्थिति में मैं सिर्फ एक जगह बता रहा हूँ और ये ICICI बैंक में ये बता रहे हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया जमा है और मैं कह रहा हूँ लॉ के अंदर 1 करोड़ और 80 लाख रुपये फीस के आ चुके हैं। बाकी आप छोड़ दीजिए, न्यू कैंपस छोड़ दीजिए, कॉमर्स छोड़ दीजिए, इवनिंग छोड़ दीजिए, इंजीनियरिंग छोड़ दीजिए, और एक जगह फीस यदि इतनी है आपके पास में, इनके मन की जो शुद्ध भावना है पेंशन नहीं देना, इन्होंने एक प्लान बना लिया और हमारी एक सोच है कि हम पेंशन लेके यहाँ से निकलेंगे बैठ करके। और इसके लिए यदि कर्मचारी दुखी होकर के यदि कोई कठोर निर्णय लेता है गलत तर्क करता है, इसके लिए विश्वविद्यालय अथॉरिटी जिम्मेवार होगी। बहुत बहुत आभार होगा।